Hello, mommy and daddies and family and friends. Welcome to Babies Junction. If you are coming on my channel first time, then my name is Yashoda Verma and my 2 years and 1 month ki daughter hai, jiska naam hai Ivanka, jisko aap sabhi Anika ke naam se jante hain. आज का जो टॉपिक है वो है कि सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा गोरा हो, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का टॉपिक है क्या आप अपने बच्चे को गोरा बना सकते हैं या नहीं. तो इसके ऊपर काफ़ी लंबा डिबेट हो चुका है मेरा और मेरी फैमिली का, ठीक है. उसके अलावा भी और लोग भी बहुत सारे लोग हैं जिनको इस पर डिबेट करने में बड़ा मज़ा आता है, तो मुझे भी मज़ा आया और मैंने ये साबित कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, हम अपने बच्चे को गोरा नहीं बना सकते. हम बस उसकी स्किन को हेल्दी, फ्रेश और क्लीन रख सकते हैं. वो अपने आप ही अच्छी लगने लगेगी. अगर उसकी स्किन हेल्दी रहेगी तो अपने आप ही वो ग्लो करने लगती है, ठीक है. तो सीधी सी बात यह है कि हम अपने बच्चे को गोरा नहीं बना सकते, ठीक है. अगर आप इस वीडियो में ये चाहते हो कि मैं आपको कोई गोरा बनाने की दवाई बता रही हूँ, तो इस वीडियो को देखना अभी से बंद कर दो. मैं नहीं कहूँगी इसे पूरा देखो, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे की स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हो, उसकी स्किन को कैसे अच्छी केयर दे सकते हो, तो मैं इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर पूरा देखिएगा. तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जो आप सोच रहे हैं कि गोरा बनाना, वो तो कोई टेक्निक है ही नहीं, ठीक है. तो मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ कि आखिर बच्चों की स्किन क्या है, क्यों है, कैसी होती है. तो मैं आपको बताती हूँ, हमारे बच्चों की स्किन जो भी होती है वो हमारे ही जीन्स के अकॉर्डिंग होती है. अगर मेरा कलर गेहूं है तो मेरे बच्चे का कलर भी लगभग ऐसा ही होगा. उसके फादर का कलर जो है, उस मेरा कलर और उसके फादर का कलर, जो भी हमारे जीन ट्रांसप्लांट होंगे, मतलब कि जो भी उसके अंदर जाएंगे, वो वैसा ही बनेगा. बाकी आपकी जो फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हेरिडिटी है, उसके अकॉर्डिंग उसका कलर और कॉम्प्लेक्शन रहेगा. मैं ये पूरी तरह से मानती हूँ कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका कलर पूरी तरह से अलग होता है. ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो कलर है अभी वो मेरे बच्चे के पैदा होते टाइम ही था. नहीं, बच्चों की जब स्किन जो होती है वो पानी में से निकल के आती है, उस स्किन का कलर एकदम ही अलग होता है. कुछ बच्चे एकदम रेड होते हैं, कुछ बच्चे एकदम वाइट होते हैं. मतलब उनकी स्किन का कलर जो होता है बार बार बाद में ही चेंज होता है एज पर देयर एज. जैसे उनकी कुछ मंथ्स निकलते जाते हैं, कुछ दिन निकलते जाते हैं, आप देखिएगा कि पहले महीने में बच्चों का स्किन का कलर कितना चेंज होगा. उनके फेस पर रैशेज हो जाएंगे क्योंकि बाहर की हवा के कॉन्टैक्ट में उनकी स्किन आती है, पूरी सेंसिटिविटी रिएक्ट करती है, तो उस तरीके से उनके स्किन पर रैशेज भी आ सकते हैं. कुछ बच्चों की स्किन रेड हो जाती है. मतलब कि ओवरऑल देखा जाए तो आपके बच्चों का कलर, स्किन का कलर वो चेंज होता रहेगा, लेकिन वो गोरा या काला जो है वो आप ही के जीन्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि आप अपने बच्चे को किस तरीके से आप उसके बच्चे की स्किन को हेल्दी रख सकते हैं. तो मैं आपको बताती हूँ, बच्चों की स्किन को हेल्दी रखना, बच्चों की स्किन को ग्लो करना, वो पूरी एक ही चीज़ पर डिपेंड करती है, आप उसको कितना केयर प्रोवाइड करते हो. आप अपने बच्चे की स्किन को गोरा नहीं बना सकते, लेकिन आप अपने बच्चे की स्किन को काला बना सकते हो. अगर आप उसकी ठीक तरीके से केयर ना करो, उसकी स्किन में से मॉइस्चर पूरा चला जाए, डिहाइड्रेट हो जाए, तो इस तरीके से आप अपने बच्चे की स्किन को काला बना सकते हो लेकिन गोरा नहीं बना सकते. तो सबसे आसान तरीका है इस चीज़ को समझने का कि आप अपने बच्चे की स्किन के डे वन से पूरी तरह से ध्यान रखें, मौसम के हिसाब से ध्यान रखें, जो मौसम है उस हिसाब से ध्यान रखें, ठीक है. मैंने कुछ लोगों से सुना था, ये उपटम लगाओ तो आपका बच्चा गोरा हो जाएगा, या फिर आप जब प्रेग्नेंट हो तो बहुत सारा दही खाओ. कोई बोल रहा था कि दही खाओ, मेरी मदर इन लॉ बोल रही थी शायद मुझको, दही खाओ. लेकिन दही खाने से कोई बच्चा गोरा नहीं होता. पेट के अंदर आप नारियल खाओ, आप संतरे खाओ, आप ये खाओ, कुछ नहीं होता. वो चीज़ें आपके बच्चे को एक हेल्दी बॉडी प्रोवाइड करने के लिए होती हैं, कोई भी गोरा स्किन करने के लिए नहीं होती. गोरा या काला उसका पहले से ही डिसाइड होता है, जैसे उसके मम्मी पापा का कलर होता है. सीधी सी बात है, वो जीन्स उसमें जो जाते हैं वो उस पर ही डिपेंड करता है. और अगर आपका बच्चा गोरा हो भी जाता है या फिर आपके कलर से नहीं मैच कर रहा, इट मीन्स कि वो उसका नेचुरल कलर है जो उसको दिया गया है भगवान के ही द्वारा, उसको आपने नहीं बदला, वो उसका नेचुरल. आपको एक दो चीज़ें बताती हूँ. पहली बात होती है कि अगर आप अपने बच्चे की स्किन का ध्यान रखते हैं तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि इनकी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए. पहला कि अपने बच्चे की स्किन के ऊपर कोई भी नया प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले उसके सारे कंटेंट्स को पढ़ें कि उसमें क्या क्या अवेलेबिलिटी है. बच्चों की स्किन पे बच्चों के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करें. हमें अच्छी तरह से पता है कि हमने, मतलब अभी तक 2 ईयर्स की अनिका हो गई है, तो अभी तक हम उसकी स्किन पे कोई भी फालतू की चीज़ इस तरीके से यूज़ नहीं करते थे कि जैसे बड़े लोग करते हैं. हम उसकी स्किन पे कोई वही चीज़ यूज़ करते हैं जो उसकी स्किन को सूट करती है. जैसे अभी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मामा अर्थ ने लॉन्च किए हैं, तो वो मुझे ठीक लगे, तो मैं उनमें से कई प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ. तो मैं उसकी सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, उसका मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ कर रही हूँ. लोशन से उसकी थोड़ी बहुत रेडनेस मुझे फील हुई, तो मैंने कुछ टाइम के लिए वो बंद कर दिया. बाकी मैं उसको दोबारा एक बार और ट्राई करके देखूंगी. बाकी क्या होता है कि हम अपने बच्चों की स्किन पे जो
क्या होते हैं मौसम के हिसाब से कोई चीज़ यूज़ नहीं करते तो भी उसकी स्किन का कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाता है. आप उसको धूप में लेके जाते हो, आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते, उसका कलर कॉम्प्लेक्शन चेंज हो जाएगा. हम ये सोचते हैं कि अरे घर के अंदर तो धूप नहीं आ रही, हम क्यों उसको सनस्क्रीन लगाएं. लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेज हर जगह है. अल्ट्रावायलेट रेज का मतलब होता है कि वो स्किन के लिए हार्मफुल होती हैं और बच्चों की स्किन पर बहुत ही जल्दी रिएक्शन होता है. तो बेहतर है कि आप बच्चों को नहाने के बाद जल्दी से उनके फेस पर जब भी मॉइस्चराइजर लगाएं तो उसके बाद एक कोट सनस्क्रीन का भी ज़रूर लगा दीजिए. अब बात आ जाती है मॉइस्चराइज करने की. मॉइस्चराइज बच्चों को किस तरीके से कर सकते हो? मॉइस्चराइज बच्चों को आपको दिन में इतनी बार करना है जितनी बार उनका मुंह धुल रहा है. पहली बात ये है कि बच्चों की स्किन सेंसिटिव होती है तो मॉइस्चर बहुत जल्दी खोती है. दूसरी बात, बच्चे इतना ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हमारी तरह, कि बच्चों की स्किन हर टाइम हाइड्रेट रहे, तो हमें उसको एक्सटर्नल प्रोवाइड करना पड़ता है हाइड्रेशन. वो हम करते हैं मॉइस्चराइजर के द्वारा. ठीक है, अगर आप अपने बच्चे को फेस पे अच्छी तरीके से धोकर, ठीक है, तो उसको हल्का हल्का गीला रहने के बाद मॉइस्चराइजर लगाते हो तो मॉइस्चराइजर के इफेक्ट बहुत अच्छे होते हैं. प्लस आप एक अच्छी लेयरिंग करते हो मॉइस्चराइजर की, एक अच्छी क्वान्टिटी मॉइस्चराइजर लगाते हो तो आपको उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं. एक बात मुझे आपको बहुत ज़रूरी से बतानी थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके चेहरे पे बहुत सारे बाल आते हैं. ठीक है, जैसे जैसे वो बाल हटते हैं तो बच्चे का कॉम्प्लेक्शन अपने आप ही फेयर होना शुरू हो जाता है, वो अपने आप ही उसका रंग बदलना शुरू हो जाता है. तो आप देखोगे कि जब भी बच्चे की जो पेट के जो बाल हैं वो धीरे धीरे हटने लगेंगे तो वो बच्चे का के कलर फेयर कर देते हैं, कलर अपने आप ही उसका फेयर होने लग जाता है. ठीक है, एक बात हो जाती है कि आप बच्चे की जो उपटन करते हो उससे कभी भी रंग गोरा नहीं होता, वो सिर्फ आपके बच्चों के बाल हटाने के लिए होता है. कोई भी ऐसी दवाई नहीं कि आप बच्चे को लगा दो और वो गोरा हो जाए. आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लो, आप बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ लो, बच्चे को आप गोरा नहीं बना सकते, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते. आप उसकी स्किन पे सिर्फ ध्यान दे सकते हो. बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे पाउडर लगाएंगे तो गोरा, लेकिन पाउडर के भी अपने साइड इफेक्ट्स हैं. पाउडर के साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं, मैं आपको इसका एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगी. कोशिश करिए कि बच्चों की स्किन पे पाउडर ना लगाएं, पाउडर उनके आसपास भी ना लगाएं, बिकॉज पाउडर्स की पाउडर से डस्टिंग टाइप होती है तो उससे बच्चों के लंग्स में भी वो पाउडर जा सकता है, तो उससे भी लंग्स डिजीजेज बच्चों को हो सकती हैं. कोशिश करिए कि ऐसे उल्टी सीधे पाउडर्स बच्चों के साथ बिल्कुल भी यूज़ ना करें, जिससे कि आपको लगे कि बच्चा गोरा दिख रहा है तो ये लगा दे, बिल्कुल भी नहीं. बच्चे की स्किन को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, उसको एक हेल्दी डाइट दीजिए. जब तक कि आपका बच्चा 6 मंथ का है तब तक तो आप उसको दूध पे ही रखते हो. 6 मंथ के बाद जब उसको सॉलिड शुरू करते हो तो फ्रूट्स इंक्लूड करिए. फ्रूट्स स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होते हैं, नरिशमेंट होते हैं, बच्चों की स्किन बहुत ही अच्छी और हेल्दी रहेगी. आप उसको जूसी फ्रूट्स यूज़ करिए, जैसे कि आपका संतरा हो गया, आपका पपाया हो गया, आपका एप्पल हो गया, आपके ग्रेप्स हो गए, बेरीज हो गई. आप अलग अलग बेरीज, ब्लू बेरीज वगैरह आप बच्चों को प्यूरीज बना के दे सकते हो. आप वेजिटेबल सूप दे सकते हो, वेजिटेबल्स स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है. तो ये बच्चों की स्किन के लिए जो कि हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है वो आप बच्चे को दे सकते हो. आप बच्चे को दूध तो आप देते ही हो, दूध भी स्किन के लिए भी बहुत हेल्दी होता है. सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, दूध अपने आप में एक होल मील होता है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिशन होते हैं अगर आप बच्चे को एक हेल्दी दूध पिला रहे हो तो. ठीक है, दूसरा हो जाता है कि आप बच्चे को जब भी बाहर लेके जाओ सनस्क्रीन लगाओ. तीसरा, आप बच्चे को जितनी भी बार उसका फेस वॉश करो मॉइस्चराइज करो. चौथा, आप बच्चे की एक अच्छे ऑयल से मसाज करो. अच्छे ऑयल से मसाज करने के बाद बच्चे का जो रिफ्रेशमेंट फील करता है अपनी स्किन में वो बहुत ही अच्छा होता है. अभी हमारी अनिका बड़ी हो गई तो मसाज के लिए बैठती नहीं है. जब तक वो छोटी थी, मतलब कि 1.5 साल तक, उसकी पूरी तरीके से मसाज हुई है. उसकी नानी उसकी रोज़ मसाज करती थी. पहले मेरे पापा, मतलब कि मेरे फादर इन लॉ, उसकी रोज़ मसाज करते थे. मतलब उसका मसाज रूटीन बना हुआ है. ठीक है, कोशिश करिए कि बच्चे को एक अच्छे और हेल्दी ऑयल से मसाज दीजिए. मौसम के हिसाब से मसाज ऑयल यूज़ करिए. जैसे हम कोकोनट ऑयल को बहुत प्रेफर करते हैं. कोकोनट ऑयल ना ज़्यादा हैवी होता है ना ज़्यादा लाइट होता है. वो कोकोनट ऑयल बच्चों की स्किन अच्छे से ऑब्जर्व भी कर लेती है. तो हम बच्चों के लिए कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं. हम एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं, मतलब कि कोई भी मिलावट नहीं होती, सिर्फ कोकोनट ऑयल ही होता है वो और उसमें कुछ भी नहीं होता. कोकोनट ऑयल आप यूज़ करिए, बच्चों की स्किन काफ़ी हेल्दी और अच्छी रहेगी. नहाने और मसाज में कम से कम आधे घंटे का गैप दीजिए, जिससे कि बच्चों की स्किन जो है वो आराम से उस ऑयल को ऑब्जर्व कर ले. नहाने के साथ साथ आप पानी के टेम्परेचर का भी थोड़ा ध्यान रखिए. ठंडे पानी से बच्चों को बिल्कुल ना नहलाएं. अगर आप एक तरीके से उनके गर्म शरीर पर ठंडा पानी डालोगे तो सर्द गर्म हो सकता है. कोशिश करिए उनकी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही पानी से नहलाएं. अनिका को हम, ये क्या चल रहा है, ये आपका अगस्त चल रहा है. अगस्त में हम अनिका को ल्यूक वार्म वाटर से नहलाते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि उसको ठंडा पानी बर्दाश्त ही नहीं होता. बच्चे को ठंड लग सकती है. कोशिश करिए कि बारिश के टाइम में उसको हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाएं. बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं तो आप उनको जो भी पानी वो प्रेफर कर रहे हैं उससे नहला सकते हो. लेकिन जब तक कि आपके बच्चे पूरी तरह से समझ ना जाएं, संभल ना जाएं, तब तक उनको हल्के गुनगुने पानी से ही, उनकी बॉडी टेम्परेचर को देखने के बाद ही उनका पानी नहाने का तक तैयार कीजिए. उसके अकॉर्डिंग उसको नहलाइए. कोशिश करिएगा कि आप अपने बच्चे के साथ कोई उल्टा सीधा एक्सपेरिमेंट ना करें.
फालतू के प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें, जो बच्चों के लिए डिफाइंड प्रोडक्ट हैं वही यूज़ करें। अगर आपके बच्चे की स्किन सेंसिटिव है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही कोई नया प्रोडक्ट उसकी स्किन पे यूज़ करिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको एटलीस्ट किसी टाइप की परेशानी महसूस नहीं होगी कि अरे रैशेस कैसे हो गई, अरे रेडनेस कैसे हो गई। जल्दी से जल्दी आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करिएगा, ठीक है। और एक बात और आ जाती है, अगर आप अपने बच्चे को न्यूट्रिशन दे रहे हो तो न्यूट्रिशन उसको सही टाइम पर दीजिए। जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच में आप बच्चे को फ्रूट्स दीजिए, स्नैक्स में बच्चे को फ्रूट दीजिए, मतलब कि दिन में एक बार फ्रूट डाइट ज़रूर देनी है। अगर आपका बच्चा अभी छोटा ही है तो ज़्यादातर वो फ्रूट प्यूरीज या वेजिटेबल प्यूरीज ही ले रहा होगा। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो खाने को इस तरीके से बैलेंस करिए कि खाने में एक टाइम फ्रूट्स ज़रूर उसकी डाइट में जाएँ, एक टाइम उसकी बॉडी में जूस या कोकोनट वाटर, कोकोनट वाटर बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, कोकोनट वाटर उसकी बॉडी में ज़रूर जाए। प्लस उसको हाइड्रेट रखने की कोशिश करिए। जब अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आप उसको दूध पिलाइए, जो भी टाइम है उसका टाइम टू टाइम उसको अच्छे से दूध पिलाइए। आप खुद न्यूट्रिशन लीजिए जिससे उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन जाए, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड करानी होती है। 6 मंथ के बाद जब बच्चा सॉलिड पे आ जाता है तो वही फ्रूट प्यूरीज एंड वेजिटेबल प्यूरीज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल उसकी स्किन को काफ़ी हेल्दी रखेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी बच्ची को हेल्दी रख सकते हो, स्किन को हेल्दी रख सकते हो। हेल्दी स्किन ग्लो करेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, कोई भी रैशेस नहीं होंगे, दाने नहीं निकलेंगे, तो अच्छा लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा गोरा हो या काला हो। दूसरा, हम ये अपनी मेंटेलिटी बना लेते हैं कि यार गोरों का ही दुनिया है, गोरों की दुनिया है तो गोरों के हिसाब से ही चलेगी। नहीं, आपकी स्किन जो भी है एक हेल्दी और अच्छी ही स्किन लगेगी। और यही बातें अपने बच्चे को बताइए कि उसका कॉन्फिडेंस से लो ना हो कि तुम काले हो या मैं काली हूँ या तुम काले हो। ये गोरे और काले का खेल बंद करिए, बच्चों को एक सही सीख दीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम टू, एंड थैंक यू, बाय बाय।